सत श्री अकाल। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की पंक्ति या स्मित्रानंदन पंत की योगी होगा पहला कवि आसे उपजा होगा गान। तो कविता एहसासों और भावनाओं से उपजती है, संवेदनाएं और अनुभूतियां जब लफ्ज बन कागज पर उतरती है तो कविता नज्म या गजल का रूप ले लेती है। ऐसे ही रूह की गहराइयों से गुफ्तगू करने वाली शख्सियत दिव्या अबीरा जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दिव्या अबीरा जी की पुस्तक मंजर ऋषि के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। उसके बारे में तो हम दिव्या जी से अभी बाद में बात करेंगे, वह खुद बताएंगी। इनकी पहली पुस्तक सुकून अबीरा कुछ समय पहले प्रकाशित हुई और उसमें भी खूब सुर्खियां बटोरी। इनकी नज़मों को स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर भी सुना जा सकता है। चलो दिव्या जी से हम रूबरू होते हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मुझे इश्क के तसव्वुर से भी इश्क है, कितना खूबसूरत लिखा है दिव्या जी आपने। तो दिव्या जी अपने दर्शकों को बताएं, आपने लिखना कब और कैसे शुरू किया? बचपन से ही लिखती थी या अचानक? तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिव्या जी का। सबको मेरा आदाब नमस्कार और थैंक यू सो मच चलने के लिटरेरी सोसाइटी जिन्होंने जिनकी वजह से किताब ने शक्ति है। मैं लिखती तो 15-16 साल की थी तब से मैं लिखती हूँ, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे जाती रहती है। आप जैसे मैच्योर होते हैं, जैसे और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो कभी कम कभी ज़्यादा। और अभी पिछले 7-8 साल से मैं मुसलसल लिख रही हूँ और कोविड का जो टाइम था, जैसे उन्होंने भी बोला डार्क फेस था, कोविड का टाइम कैसा रहा कि अचानक आपको रियलाइज होता है कि अरे आप मन में मन आप कुछ नहीं बचा, तो आप जल्दी जल्दी कर लीजिए सब चीज़ें जो कर रहे हैं। तो उस वक्त मेरे ख्याल से बहुत सारे आर्टिस्ट जो है बेकर, कोई बेकर बन रहा है, कोई पॉप सिंगर भी, कोविड की ही देन है। तो उस वक्त कई बार ऐसा हुआ मैंने एक एक दिन में 3-3 नज़में भी लिखी हैं और फिर अचानक ख्याल आया कि जब ये किताब छापी जाए। जबकि एक शेर है जिसे काफी लोगों ने मुझसे पूछा, अरे आप 15-16 साल की थी तब से अगर आप लिख रही हैं तो आपने इतना लेट किताब क्यों छापी? तो एक तो मानना है मेरा कि हर चीज का वक्त होता है। और एक शेर मैंने पढ़ा था लाहौर के पोएट है जीशान अख्तर, इफ आई एम राइट, या जीशान अख्तर, कि मैं यूं भी नहीं चाहता मेरी किताब छपे, मैं यूं भी नहीं चाहता मेरी किताब छपे, न जाने कैसे लगे कागजों पे खाक छपे। सो लव्ड इट। तो मेरे ख्याल से आप कई बार सोचते हैं क्या वही क्या छपाए, छोड़िए छोड़िए, सब लोग कोई जज करता है, कोई कुछ करता है, तो छोड़ दीजिए। तो बस ऐसे ही चलता बेहद खूबसूरत नाम है। इस नाम के पीछे की क्या कहानी है और कैसे रखा गया हम सब जानना चाहते हैं। हाँ, मंजर कशी के नाम जब मैंने रखा तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने बोला अरे बड़ा खूबसूरत नाम है। तो हुआ ये जब मुझे कहा गया आफान जो पब्लिशिंग हाउस है कि आप नाम बताइए जल्दी जल्दी, तो अंकिता मैं चाहूँगी आप यहीं रहें, बनारस आऊँगी तो मैं आपसे मिलूंगी। तो मंजर कशी जब मैंने उनको बताया, 2-3 नाम मैंने सोचे, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दोज नेम्स। तो मंजर कशी का रीज़न ये रहा क्योंकि काफ़ी मेरे जो रीडर्स हैं, बहुत ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पर उतना नहीं हूँ, पर जिन लोगों ने मेरी ऑडियो सुनी है स्पॉटिफाई पे या जिन्होंने पढ़ा है मेरा, तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आप लिखती हैं या हम जो आपको सुनते हैं तो आपका पढ़कर हम विजुअलाइज कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा होता है हमारे लिए लिखा गया दृश्य सामने आ जाता है। जी जी। तो मुझे लगा कि फिर अगर मंजर कशी इसके लिए ऐप नेम है, सेम थिंग हैपेंड विद माय फर्स्ट बुक सुकून अबीरा। उसमें भी मुझे ये फीडबैक मिला काफ़ी लोगों से कि आपकी ऑडियोज कई बार रिपीट पड़ जाती है, आज से सुकून मिलता है और पढ़ते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। शुक्रिया। तो वो मुझे लगा कि इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, यू नो। सो मुझे लगा कि पहली किताब का सुकून या अभी अगर मेरी आवाज़ या मेरी नज़में सुकून पहुंचा रही हैं और काफ़ी दोस्त या अनोन बींग्स को रिपीट पर सुन रहे हैं, ब्रेकअप्स हुए तो भी रिपीट पर सुन रहे हैं, किसी से दोबारा मोहब्बत हो गई तो भी रिपीट पर सुन रहे हैं, तो मुझे लगा कि फिर वो सुकून या अभी रखते हैं और इसका नाम मंजर कशी रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आप अपने श्रोताओं या दर्शकों के या पाठकों के दिल तक पहुंचती हो। हाँ, बहुत शुक्रिया। अगर कोई कैरेक्टर आपका नज्म को समझ जाए
खुद का
जब होगा इसको मैं ऐसे नहीं बोलूंगी क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट यू नो, कोई बोले कि नहीं शुरू से बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं सबकी लाइफ में, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं और रिलेशन कई बार आपका सिर्फ आपके इन लॉज या आपके हस्बैंड से नहीं होता, आपके दोस्त होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, 25-25 साल पुरानी दोस्त होती है जो अचानक लगता है कि किसी गलत फैमिली की वजह से दूर हो गई, फिर ईगो आ जाती है और आपके जो दोस्त आसपास जो देखते हैं तो उन सब की पेचीदगियाँ, खाली मेरी पेचीदगी नहीं हो सकती, उसको मैं फिर सबों पे नहीं पाऊंगी, वो काफी पर्सनल हो जाए किसी किसी रिश्तों की पेचीदगियों पर एक समय लिखा था, इसका मैं बैकग्राउंड देती हूँ बिकॉज आई हैव बीन इनटू डिजाइनिंग आल्सो, तो अभी पीछे मैं अपने दर्जी के साथ मैं बैठी हुई थी और इसी चुनी पर शायद लेस लगवा रही थी, किनारियाँ ठीक करवा रही थी, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई और एकदम से ख्याल आया मेरा और मैंने उसको घर में जाते लिखा, तो उसको मैंने कैसे मैच किया किनारियों को रिश्तों से, उस पर ध्यान दिया। किनारियाँ सलीके से बनी रहे, किनारियाँ सलीके से बनी रहे तो वो तार तार नहीं होती, बिल्कुल रिश्तों की माँ, एक रेशा भी उधड़ा तो सच कहूँ तमाम रंगों से ले हर कसे महीन धागे पर सवाल खड़ा रहता है, एक रेशा भी उधड़ा तो सच कहूँ तमाम रंगों से ले हर कसे महीन धागे पर सवाल खड़ा रहता है, कोई सिरा छूटा होगा जिसे लगातार उधेड़ा गया होगा, कहीं कोई कमी रही होगी जिसे लगातार उधेड़ा गया होगा, उंगलियों पर लपेट लपेट कर तोड़ा मरोड़ा गया होगा, आप उंगलियों पर लपेट लपेट कर तोड़ा मरोड़ा गया होगा, कितने दरवाजों चौखटों में कुछ रेशे छूटे होंगे, कितने दरवाजों चौखटों में कुछ रेशे छूटे होंगे, बस हम पुराने हो जाने पर फितरतन किनारियां यूं ही लापरवाह से छोड़ देते हैं, ये रिश्तों को नहीं देते देखो वो जानते हैं क्या थॉट है, बिल्कुल डिफरेंट, सोचने के कोई भागों को आपने कैसे गिराया है, किनारियों को सिलते रहना चाहिए समय के साथ, बस हम पुराने हो जाने पर फितरतन किनारियां यूं ही लापरवाह से छोड़ देते हैं और एक दिन वो उलझती चिर जाती हैं, किनारियां सलीके से बनी रहे तो वो तार तार रहे, बहुत खूब बहुत सही, सब अपने अपनी किनारियों को सिल लेना समय से, चलिए बहुत। वैसे तो किसी भी लेखक या रचना का से या पूछना भी कौन सी नज्म या कौन सी कविता या कौन सी रचना उन्हें बेहद पसंद है, वो ऐसे ही है जैसे हम किसी माँ से पूछते हैं कौन सा बच्चा तुम्हें ज्यादा पसंद है, वो रचना करने तो उन्होंने खुद रचा है कहीं महसूस करके, उसके पीछे की कहानी तो रचना का भी पता है, हम तो जो लाइनें लिखी हैं उसी में ही ढूंढते हैं, तो आपको अपनी पुस्तक में से कौन सी नज्म सबसे अधिक पसंद है? जैसा कि जब अंकिता पढ़ रही थी तो मैंने कहा था Writers bleed on paper. Yes. तो मैं अपने आप बदन को यहाँ से काटूँ वहाँ से काटूँ कहीं से भी चोट मुझे लगे रंग लाल ही निकलेगा, लाल पीला नीला नहीं निकलेगा, तो इसीलिए मुझे लगता है जितनी भी मेरी नज़में हैं वो सब मेरे बहुत करीब है क्योंकि कुछ ना कुछ सोच कर लिखी गई है, तो उसमें से फेवरेट हो वो पॉसिबल नहीं, कुछ भी सुना दीजिए मेरी थकी बेहोश करवटों में, मेरी
थक बेहोश कर लूं मैं मेरे किसी कुर्ते की कढ़ाई में, मेरे किसी कुर्ते की कढ़ाई में या मचलते चांद बालों में, या मचलते चांद बालों में मेरे सिरहाने रखे, मेरे सिरहाने रखे लैंप की सुनहरी धीमी रोशनी में, सुबह खिड़कियों से, सुबह खिड़कियों से छलते भीने आभास में, बालकनी झांकते स्याह बादलों, बालकनी झांकते स्याह बादलों में, या रुकी थमी बारिश की शैतानियों में, या रुकी थमी बारिश की शैतानियों में मेरे बेचैन इंतजार में, मेरे बेचैन इंतजार में मेरे आईनों के पिछली तरफ, मेरे आईनों के पिछली तरफ, हाँ जहाँ हर लम्हा तकते हो तुम मुझे, जहाँ हर लम्हा तकते हो तुम मुझे, मैं सच न जाने तुम्हें कहाँ रखूँ। बहुत गहरे रखती हो मैं आपकी रचनाएं। आप इस उम्र तक पहुँचे तो अभी तक भी गहराई नहीं तो क्या फायदा हो, गहरा होना तो गुजर के निकले हैं, राह गुजर से गुजर कर ये सफर समझ में। चलिए अब जैसे हम कुछ भी काम करते हैं तो अपनी फैमिली का सपोर्ट रहता है और देखो इतना बड़ा काम करने के लिए चाहिए है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जरूरी नहीं होता भी फैमिली सामने से सपोर्ट कर रही है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फैमिली का सपोर्ट है। शुरू में तो बैठे थे हम फैमिली का सपोर्ट ऐसा बाकी हां माय हस्बैंड नेवर स्टॉप मी फॉर एनीथिंग, उनको पता था थोड़ा लिखने में या म्यूजिक में है मुझे, ही नेवर स्टॉप मी, तो आई थिंक इट वेंट ऑन एंड मेरी जो पहली बुक पब्लिश जिसका पब्लिश हुआ था तभी भी वाज देयर आज भी है, ही इज अ वेरी बिजी शेड्यूल। फैमिली का सपोर्ट जैसा अंकिता ने भी कहा था फैमिली के सपोर्ट के बिना तो नहीं होता और खासकर इंडिया में मुश्किल मुश्किल हो गया में रहा मुश्किल हो जाती है। और सेम विद माय किड्स माय डॉटर आई विश शी कुड बी हियर, वो बाहर रहती है, मेरा बेटा भी बाहर है तो उन्होंने बाहर से मुझे बस बोल दिया बेस्ट ऑफ लक मामा अच्छा करके आना अच्छा सुना रहा हूं। तो पहली बुक में मेरी डॉटर का बहुत सपोर्ट रहा, मैं उसको रेगुलर की यहां पर बिकॉज़ शी इज अ ग्राफिक डिजाइनर तो मैं उसको पूछती रहती थी बताओ ये ठीक है कि नहीं, तो सपोर्ट चारों तरफ से उसके बिना ये वो तो चाहिए ऐसे सपोर्ट में फैमिली है फ्रेंड्स है मेरे सपोर्ट्स में सुनने वाले भी सुनते हैं नहीं तो बड़ा आई नहीं मार सेल्फ हो जाता मैंने खुद ही लिखती खुद ही पढ़ती खुद ही खुश हो गई नहीं तो सराहने वाले तो सही दाद देने के लिए एप्रिसिएशन जरूरी है चाहे वो क्रिटिक हो या चाहे कुछ भी हो वो जरूरी है। जैसे आप लिखती है दिव्या अबीरा, अबीरा आपका उपनाम है, अबीरा तो खलुस जिसका मतलब है इट्स अरबिक वर्ड, केसर गुलाब और चंदन की खुशबू मिक्स उसको अबीरा कहते हैं। जैसे मेरी पहली किताब अगर आप रखिए नीचे देखेंगे सुकून है अबीरा, उसमें गुलाब की तस्वीरें बहुत ज्यादा है, दे ऑल आर क्लिप्ड बाय मी, अंदर भी उसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं एंड इट्स अ कलर बुक, दिस वन इज ब्लैक एंड व्हाइट द फर्स्ट वन इज कलर, वो वाकई में एक आर्ट पीस लगा है काफी, इट्स नाइस अफान साहब ने पब्लिश किया मैंने काफी सर खाया हुआ वो जरूरी भी होता है। I was very particular with all my photos and all, कि ये ही चाहिए। Masterpiece के लिए ये करना पड़ता है। आधा आधा अरे अगर resolution बिगड़ रहा है, मैं तो नहीं कुछ भी करी resolution बिगड़ रहा है, कुछ भी ये ही चाहिए मुझे। तो support चारों तरफ से चाहिए। जैसे आपने हमने पहले भी बात की है, अभी आप खुद से बातें करते हुए लिखती हैं, तो शायर या कवि सब बड़े सुकोमल हृदय होते हैं, आहत भी जल्दी होते हैं और खुश भी जल्दी हो जाते हैं, किसी से बहुत ज्यादा नाराज नहीं रहते हैं। तो मैं और आपसे आपकी कोई अच्छी सी नज़्म सुनना चाहूंगी जिसमें आपने ये भी मैं खुद से बातें करते हुए कैसे मैंने लिखी नहीं, ये बहुत बिल्कुल लाइन आपकी बहुत अच्छी लगी, मैं खुद से बातें करते हुए लिखती हूँ। हम सबको लगता है कि हम अपना जब हम यंग भी होते हैं कि बड़ा खूबसूरत घर हो, आती जो लोग होते हैं उनको और ज्यादा होता है और जो पोएट है वो उनको और भी ज्यादा होता है, तो ये उस पे है जब आप खुद से बातें करते हैं। कुछ दर्ज करेंगे खुद रंग सा उस आशियाने का नाम, आशियाना मतलब घर है, कुछ दर्ज करेंगे खुद रंग सा उस आशियाने का नाम जहाँ बस पढ़े जाए मोहब्बतों के पैगाम, जहाँ बस पढ़े जाए मोहब्बतों के पैगाम, जहाँ दरीचों पे सुस्ताती हो हर सुरमई शाम दरवाजों पे, जहाँ खनकती हंसी हो हमारी और झूमते हो जाम, कुछ दर्ज करेंगे खुद रंग सा उस आशियाने का नाम,
जहाँ हो सितारों की टोली, जहाँ हो सितारों की टोली और चांद ढहलता हो बाम बाम, जहाँ कसे जाए, जहाँ कसे जाए किससे कसीदे, जहाँ कसे जाए किससे कसीदे और बने रहना तुम मियाँ गुलफाम। जहाँ हो गुलाबों की महक, जहाँ हो गुलाबों की महक और हर जुबान चकती हो खालिस पान, जहाँ अंगड़ाई ने रुबाइयाँ, जहाँ अंगड़ाई ने रुबाइयाँ गजल भी हो खया से लाल, वो लरसती सी नजमें कुछ, वो लरसती सी नजमें कुछ, जहाँ वक्त जरा ठहरा हो ना कोई पहरा हो, जहाँ वक्त जरा ठहरा हो ना कोई पहरा हो, आईनों पर पर्दे, आईनों पर पर्दे हो बस तुम ही मेरा चेहरा हो, ऐसा सा सफर हो, ऐसा सा सफर हो कुछ उस खुश वक्त आशियाने का मेरी जान, यकीनन कुछ दर्ज करेंगे खुदा के साथ उस आशियाने का नाम, जहाँ बस पड़े जाए मोहब्बतों के पैगाम। अपनी पुस्तक
और वापस जब वो घर आते हैं देंगे फील कि घर से ज़्यादा बेहतर चीज़ नहीं है, दे मिस रूट्स, चाहे हम हो चाहे कोई भी, तो उस कैफियत पर लिखा था। घर लौट आना गहरी सांस लेने जैसा है, घर लौट आना गहरी सांस लेने जैसा है, वो घने दरख्त की छाया छोड़, वो घने दरख्त की छाया छोड़ न जाने कहां कटीली झाड़ियों में जा बस, घने दरख्तों की छाया छोड़ न जाने कहां कटीली झाड़ियों में जा मिला, कुछ कैक्टस रंगीन फूलों से, कुछ कैक्टस रंगीन फूलों से भरे फरेब से दिखते हैं। अरे वाह, इसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप तो वाव, गुड़गांव वाव, कुछ कैक्टस रंगीन फूलों से भरे फरेब से दिखते हैं और हम एक वहम में जीते हैं, और हम एक वहम में जीते हैं, जड़ों को महसूस करो तो, जड़ों को महसूस करो तो सिर्फ खून रिश्ता है, माँ को सुना था कहते, माँ को सुना था कहते कैक्टस घर में नहीं रखे जाते, माँ को सुना था कहते कैक्टस घर में नहीं रखे जाते, सब्ज घने दरख्त की जड़ें, सब्ज घने दरख्त की जड़ें साल दर साल सिर्फ मजबूत होंगी, चबूतरों के बिना भी वो घर की चार दीवारियों सा महफूज है, चबूतरों के बिना भी वो घर की चार दीवारियों सा महफूज है, यहाँ कैद रहना सिर्फ जन्नत है। जैसे मेरी बालकनी से पेड़ दिखता है, अब वो बहुत छोटा था पहले, अब वो बहुत बड़ा हो गया, तो पेड़ है और बड़ा हो गया, वो तो वहीं के वहीं रहेगा, तो उसको देखकर मैं सोच रही थी कि क्या सोचता होगा पेड़, खाली दोपहरे और मैं कभी कभी बाहर की दुनिया पर्दों के किनारों से झांकते हैं, खाली दोपहरे और मैं कभी कभी बाहर की दुनिया पर्दों के किनारों से झांकते हैं, सब खामा खासा हो जैसे, सब खामा खासा हो जैसे, वो दरख्त बोरियत से भरा रहता है, वो दरख्त बोरियत से भरा रहता है, बरसात के इंतजार तक, बरसात के इंतजार तक, मानो वो भी तकता रहता हो, मानो वो भी तकता रहता हो आसमां में बसा महबूब को, मानो वो भी तकता रहता हो आसमां में बसा महबूब को, एक चबूतरा है अब वहाँ, एक चबूतरा है अब वहाँ, वहाँ रोज शाम आ ठहर जाती, वहाँ रोज शाम आ ठहर जाती है, मैं दोपहर के साथ पर्दों की ओट में शाम का इंतजार करती हूँ, खाली दोपहर और जैसे आपने अपनी पिछली पुस्तक को Spotify पे नजरें डाली, इसको भी हम Spotify पे, हाँ मे भी कुछ ऑडियोज या फिर YouTube पर आएंगी या Spotify पे देखते हैं, जैसे अभी तो कुछ प्लानिंग है, मैंने इसको प्लान करी है, ऑल द बेस्ट उसके लिए। इसी के साथ मैं दिव्या जी को उनकी मंजर ऋषि के लिए शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद करती हूँ, और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और हम अगली पुस्तक के लिए आपका इंतजार करेंगे।